साहस सरोकार। रूस के साथ तनाव और गहराया, राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन में रहने वाले अमेरिकियों से देश छोड़ने को कहा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुफ्त सिलेंडर और नई नौकरियों पर किया बड़ा ऐलान, कहा बेरोजगारों को देंगे 3,000 रुपए। संसदीय समिति का दावा, देश के 257 थानों में वाहन नहीं, 638 में फोन नहीं, गृह मंत्रालय से की यह सिफारिश। यूपी से लेकर उत्तराखंड गोवा तक आज प्रचार का शोर, पीएम मोदी की अल्मोड़ा कासगंज में जनसभा, राहुल केजरीवाल गोवा में मांगेंगे वोट। यूपी में अगले दो दिनों तक पड़ेगी भीषण ठंड और छाया रहेगा घना कोहरा, मौसम विभाग का अलर्ट। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। संसद की एक स्थायी समिति ने संसद में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश में 257 थानों में वाहन नहीं है और 638 में टेलीफोन नहीं है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति ने कहा कि 1 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार देश में 16,833 थानों में से 257 थानों में वाहन नहीं है, 638 थानों में टेलीफोन नहीं और 143 स्थानों में वायरलेस या मोबाइल फोन नहीं है। आगे समिति ने कहा कि 21वीं सदी में भी भारत में खासकर अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और पंजाब जैसे अनेक संवेदनशील राज्यों में थाने बिना टेलीफोन या उचित वायरलेस कनेक्टिविटी के हैं, जबकि इनमें से कुछ राज्यों को 2018-19 में बेहतर प्रदर्शन प्रोत्साहन के लिए सम्मानित किया गया है। खबर संभल से है, जहां सुल्तानपुर खुर्द में जनता पर समर्थन मांगने पहुंचे भाजपा के मंत्री का ग्रामीणों ने जबरदस्त विरोध किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बीजेपी प्रत्याशी गुलाबदेवी के काफिले के सामने पशुओं को छोड़ते हुए अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद प्रत्याशी गुलाबदेवी को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। जनपद बस्ती में 6वें चरण के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कई पार्टियों के दिग्गज नेता ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं इस दौरान सुरक्षित सीट महादेवा से बीजेपी प्रत्याशी रवि सोनकर ने नामांकन किया, तो वहीं हरैया से सपा प्रत्याशी त्रियंबक नाथ पाठक और सदर से सपा प्रत्याशी महेंद्र नाथ यादव समेत 4 विधानसभाओं में से 17 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसके बाद सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए अपने क्षेत्रों में विकास की बात कही। तो जनता का स्नेह प्यार जो मिल रहा है, एकदम आश्वस्त है 100%। और चुनौती मेरे सामने नहीं है, चुनौती जिन लोगों ने पैदा किया है चुनौती उनके सामने है, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं। हमको तो जनता का स्नेह प्यार मिल रहा है, और 2002 में जब हम चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी, मात्र 428 वोट से चुनाव हार गए। 12 में हमको माननीय नेताजी ने कप्तानगंज चुनाव लड़ाया, कुल 15 दिन का समय था, नई विधानसभा थी, जानते हैं तब भी 56,000 वोट हमको वहाँ की जनता ने दिया, आशीर्वाद दिया, थोड़े वोट से रह गए, नहीं जा पाए, बाकी चुनौती कोई नहीं, चुनौती तो जनता स्वीकार कर रही है उन लोगों की। हम तो लगभग 40-42 साल से हरिया की राजनीति कर रहे हैं, 1982 में पहली बार प्रमुख चुने गए। जो क्षेत्र की समस्या है, हमारे जो माननीय लिए हुए 15 साल वो थे, 5 साल थे, इन्होंने अपना विकास किया 15 साल, वो भी अपना विकास कर रहे हैं। क्षेत्र के बारे में आप अब एक एक ऐसी सड़कें पड़ी हैं, हम लोग तो दिन रात अनवरत क्षेत्र में चल रहे हैं, चलना मुश्किल है, गड्ढे हो गए हैं, पानी भरे हैं इस समय में, तो यही सब चुनौतियां हैं क्षेत्र के विकास की, चुनौती है। विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है, वो चाहे विधानसभा की मानिए चाहे पूरे प्रदेश की मानिए, हमारा किसान रात को रात पूरा टार्च लेकर के लाठी डंडा लेकर के अपने खेत की रखवाली कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। 5 किलो राशन अगर दे रहे हैं, 150 रुपये का थैला है, 5 किलो राशन फ्री में दे रहे हैं, और लोगों का 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा जितना जिसकी है, सारी फसलें साथ हो जा रही हैं, तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है। समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी ने आप पे विश्वास जताया है, किन मुद्दे को लेके आप क्षेत्र में निकलेंगे? ये सबसे पहले हमारा और सबसे बड़ा मुद्दा है, वाल्टरगंज चीनी मिल बंद है, उस चीनी मिल को चालू कराना है,
जैसे ही सरकार बनेगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पैर पकड़ करके उस चीनी मिल को चालू कराएंगे, जिससे गन्ना किसानों को लाभ हो और उस चीनी मिल के जो कर्मचारी हैं उनका जो वेतन बकाया है वेतन उनका उन लोगों को दिलाएंगे और बकाया गन्ना भुगतान जो है उसको कराएंगे, बाकी पूरे क्षेत्र का विकास कराएंगे। के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने दोबारा हमें मौका दिया और ये मौका भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया है वो महादेवा की जनता के का जो रुझान था, जो उनका आशीर्वाद था, इस कारण हमें दोबारा मौका मिला है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो 2017 में हमने वादा किया था कि हम 5 पुल बनाएंगे, हमने 5 पुलों का निर्माण कराया है। कुछ पुल बने हैं, कुछ गतिमान हैं। मैंने कहा था कि मैं राजकीय महाविद्यालय बनाऊंगा, जो माता मरही के मंदिर के बगल राजकीय महाविद्यालय आज गतिमान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आज प्रथम चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है और जिस प्रकार का उत्साह आम आदमी में, गाँव, गरीब, किसान, मजदूर में दिखाई पड़ रहा है वोटिंग के समय, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है कि लगभग 350 सीट जीत करके पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बनाए। संभल में बसपा ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है, जहां सदर विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी हाजी शकील कुरैशी ने खानपुर में जाकर नुक्कड़ सभा की और कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। रतुपुरा में नुक्कड़ सभा की और लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि बसपा की सरकार आ रही है, घर घर जाकर जनसंपर्क किया और विकास के लिए वोट मांगे। इस बीच उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं उनकी गाड़ियों का काफिला अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र की ओर पहुंचा तो समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। रायबरेली के सदर क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मनीष चौहान ने प्रचार किया। वहीं केमिस्ट एसोसिएशन के साथ बैठक करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने बाजारों में जाकर जनसंपर्क करते हुए लोगों से वोटों की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव-गांव में जाकर ये मालूम चल रहा है कि किसान आज खुले घूम रहे हैं, जानवरों से परेशान है और योगी सरकार ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है, इसलिए जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। दिक्कतें क्या बताई उन लोगों की, तो कह रहे थे कि उनकी दिक्कतें कोई सॉल्व ही नहीं हुई। गांव में जब गया उनका इस समय, मतलब इतने, मैं 18-20 साल से खुद ही रायबली में हूँ, वो समस्याएं तब भी बताते थे और वो अभी भी वही कहते जा रहे हैं। और मतलब इन सालों में नहीं देखा था, इन 5 साल में उन्होंने वो बदलाव देखा कि ये जैसे शिक्षा तो है ही नहीं, स्वास्थ्य की दिक्कतें, सड़कें तो एक आम है जो हमारी बहुत बेसिक चीजें हैं भाई, सड़क, बिजली, पानी, ये तो सबकी पूरी होनी चाहिए ना, ये इतने दिन से क्यों रुका हुआ है। साथ में एक नई समस्या और खड़ी हो गई, आवारा पशुओं की गांव में, बेचारे कहते हैं रात भर जाके अपना देखें, उसका भी कोई हल नहीं, किसी के पास जाओ कोई सुनवाई नहीं। यहाँ पर तो हमारी देखिए ना, ये सब ट्रैफिक सिस्टम, हम हर चीज का बताओ डेवलप। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके के एसके जैन पब्लिक स्कूल में बना मतदान केंद्र तब आकर्षण का केंद्र बना जब एक दूल्हा सिर पर सहरा और हाथों में मेहंदी लगाए मतदान करने पहुंचा। इस दौरान दूल्हा बना सचिन अपने हाथों में शादी की मेहंदी के साथ साथ उंगली पर मतदान की इंक भी लगवाई। वहीं दूल्हे ने कहा कि उसने अपने मत का प्रयोग किया जो कि बेहद जरूरी है। वोट डालने आया हूँ मैं, मेरा वोट महत्वपूर्ण है और सबको वोट डालना चाहिए। 10 मिनट का समय निकाल के वोट बहुत जरूरी है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां संग्रामगढ़ थाने के कुसवापुर गांव में बीते 6 फरवरी को एक विवाहिता की मौत हो गई, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि इस पूरे हत्याकांड को पति और विवाहिता की बहन ने अंजाम दिया था। आगे पुलिस ने बताया कि मृतका के पति और साली में अवैध संबंध थे, जिसका विरोध करने पर दोनों ने युवती को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। तो विवाहिता की मौत की खबर सामने आ रही है, जहां इस हत्याकांड में पति और उसकी साली की ही मिलीभगत बताई जा रही है। ये मामला संग्रामगढ़ थाना के कुसवापुर गांव का है, जहां बीती 6 फरवरी को एक विवाहिता की मौत हो गई, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया है कि इस पूरे हत्याकांड को पति और विवाहिता की बहन ने अंजाम दिया है। दिनांक 9/2/2022 को थाना संग्रामगढ़ पर सूचना प्राप्त हुई कि मेरी लड़की वंदना को हमारा दामाद व मेरी लड़की ने मिलकर दिनांक 6/2/2022 की रात्रि में हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया है, जिसके संबंध में थाना संग्रामगढ़ पे दशरथ हरिजन
के द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर धारा 302-201 का अभियोग पंजीकृत किया गया। वह अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया, जिसके संबंध में मेरे द्वारा व थानाध्यक्ष संग्रामगढ़ के द्वारा एक टीम बना करके आज दिनांक 10/2/2022 को दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, न्यायालय भेजा जा रहा है। मिलकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि दोनों में अवैध संबंध थे, जिसके चलते उन्होंने गला दबाकर विवाहिता की हत्या कर दी। प्रतापगढ़ से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है। खबर बांदा से है, जहां छत विक्षिप्त अवस्था में मिला ज्ञात युवक का शव निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बगल में मिला। अज्ञात शव का मिलने से हड़कंप मच गया इलाके में और स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। जानकारी पर पुलिस अधीक्षक, फॉरेंसिक टीम, ड्रग स्क्वाड और पुलिस डॉग स्क्वाड और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और मामला बिसंडा थाना अंतर्गत निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास का है। देखिए, थाना बिसंडा में पुनाहुर गांव है, जहां पर ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी काम चल रहा है, वहां पर एक डेड बॉडी मिली है हम लोगों को। काफ़ी दुर्गम स्थान है और डेड बॉडी पे कुछ इंजरीज के मार्क्स हैं। फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड जो हमारी है, फॉरेंसिक की यूनिट है, वो सभी मौके पर आ गई हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और जल्दी ही। रायबरेली में विवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोपी मृतका का जेठ बताया जा रहा है। जमीन के विवाद में जेठ ने महिला को गोली से उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि गोली सिर में लगने से गुड्डन की मौके पर ही मौत हो गई। मामला शहर कोतवाली थाना इलाके के मधुबन क्रॉसिंग के पास का है। गुड्डन नाम की 23 साल की महिला आई थी, इसके हस्बैंड का नाम है सुरेंद्र, जो शक्ति नगर थाना कोतवाली की रहने वाली है। ये मृत अवस्था में लाई गई है यहाँ पे। उसके हस्बैंड से पता करने पे ही पता चला कि गन शॉट का केस था। बाकी एग्जामिन करने पर हमें यही मिला है कि दाहिने साइड उसके सर पे लगा हुआ था, घाव की इंजरी था, गन शॉट का इंजरी था। बाकी मृत अवस्था में लाई गई है, बॉडी उसको रखवा दिया हूँ पोस्टमार्टम के लिए। बाकी इंक्वायरी करने पर पता चला कैसे हुआ, क्या घटना हुआ, तो उसके हस्बैंड के अनुसार यही पता चला कि उसके हस्बैंड के बड़े भाई ने, यानी कि जो मृतक है देव मृतक के हस्बैंड के बड़े भाई ने मारा है। यहाँ पर जो ये है वॉशिंग लाइन है जेआरपी स्टेशन के पास में, वहाँ पर एक महिला की गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई। महिला की मृत्यु हो चुकी है। महिला के पति के द्वारा बताया जा रहा है कि उसके बड़े भाई ने महिला को गोली मारी है। गोली मारने का कोई कारण, ये प्रथम दृष्टया बता रहे हैं कि ये जो मृतका है इसकी ये दूसरी शादी थी इससे जो लड़का है यहाँ पर, और एक बता रहे हैं कि दोनों भाइयों में कुछ जमीन विवाद भी चल रहा था। अब ये विवाद कुछ नहीं, पहले झगड़ा उगड़ा हुआ है उस दोनों भाई भाई में, तो ये कह रहा था जितेंद्र सुरेंद्र कह रहा था कि हमको मार लो मगर इसको मत मारो, तो कहा नहीं हम इसी को मारेंगे क्योंकि मेन जल तो यही है मेरे घर की, क्योंकि हमारी बहन सर लव मैरिज शादी की थी इससे, गोली से मारा है, गोली मारा है मेरी बहन को। कुछ दिनों में भीषण ठंड पड़ने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश में कोल्ड डे कंडीशन रहने की संभावना जताई है। यही नहीं, इस दौरान कोहरे का भी प्रकोप देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक यूपी में सुबह शाम घना कोहरा छाया रहेगा। इस बीच राहत की बात यह है कि अगले 5 दिनों तक बारिश का कोई अनुमान नहीं है। 15 फरवरी के बाद ठंड में कमी आ सकती है। लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह में धुंध और कोहरा छाया रहेगा। दिन में मौसम साफ रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में 100 दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच